धारावी में करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं कि जो पात्र ही नहीं है, क्योंकि पहले वो भी तो उनको हटाए सिवा या उनको घर दिए सिवा आप वहाँ पुनर्वास तो नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने उसमें भी एक मार्ग निकाला, हमने कहा मानवता का दृष्टिकोण होना चाहिए, इन लोगों को हम लोग अकोमोडेट करेंगे, इनके लिए भी हम घर बनाएंगे, इनके लिए घर बनाते समय शायद थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, ये पात्र नहीं है, वैसे तो इनको घर ही नहीं मिल सकता, और हम इनको रेंटल हाउसिंग देंगे, लेकिन 10 साल बाद वो घर उनका होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उस निर्णय का पालन करते हुए उसमें से हमने मार्ग निकाला। तो आज ऐसा है कि धारावी में जो पात्र है उसको वही घर मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, बेटर घर मिल रहा है, जो बिजनेस करता है उसको वही बिजनेस करना है, और जो पात्र नहीं है, जिसको डिस्प्लेस किया जाता, जिसको कुछ नहीं मिलता, उसको भी घर मिलने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि देश का नहीं दुनिया का अपने अपने अनूठा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को अब कोई प्रॉब्लम हमने रखा नहीं है, सारे प्रॉब्लम इसके दूर किए, इसका काम जल्दी ही शुरू हो रहा है, एक्चुअली शुरू हो ही चुका है, सर्वे वगैरह अभी चल रहा है, और धारावी जब बनेगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया के लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से गरीबी के साथ हम लड़ाई करके उसको पराजित कर सकते हैं और गरीबों को अधिकारिता दे सकते हैं।